जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनल अपील फॉर फाइन आर्ट सीईटी रिजल्ट एग्जामिनेशन। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, अभी भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। यस, वेट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज कब रिजल्ट आएगा, एडमिशन कब होगा। बहुत सारे लोगों को लगता रहेगा कि अदर कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस चालू गए, हमारे ही नहीं चालू है। शैल वी टेक इन अदर कोर्सेस या हम एडमिशन सिक्योर कर ले, तो क्या स्टेटस है अबाउट द रिजल्ट, इसके बारे में सब स्टूडेंट पूछ रहे हैं मुझे। कमेंट्स भी आ रहे हैं और कॉल भी आ रहे हैं, तो दोनों भी है। तो एक फाइनल अपील बताता हूँ कि हाँ, कब आ सकता है रिजल्ट। अभी कुछ दिन पहले सीईटी ने, एक 4-5 दिन पहले सीईटी ने एक टेंटेटिव रिजल्ट के स्केड्यूल लगाया है, जिसमें से बहुत सारे एलबीए बीएससी बीएड था, बीएमएस बीबीए सीईटी के ऊपर रिजल्ट का उन्होंने स्केड्यूल दिया होता, बट उसमें ना फाइन आर्ट सीईटी नहीं दिया होता। और दूसरी चीज, मेरे हिसाब से सेकेंड वीक, मतलब ये जो वीक है उसके बाद जो नेक्स्ट वीक रहेगा, नेक्स्ट वीक का वेनसडे थर्सडे वगैरह तक आ जाना चाहिए रिजल्ट। सेकेंड वीक के एंड तक भी आ जाना चाहिए, बिकॉज एक तो फाइन आर्ट सीईटी के एस्पिरेंट कम है और वो जल्दी हो गया था एग्जाम। ओके, एक ही दिन में एग्जाम ओवर था, देर वर नो स्लॉट। बिकॉज 3,000-3,500 के आसपास कैंडिडेट होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। सो जो भी सोच रहे हैं ना कि सर हम लोग दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेके, यार नहीं, ऐसा मत करो, बिकॉज आपका रिजल्ट आएगा और इट विल बी कम्प्लीटली थ्रू सीईटी। और थोड़ा वेट कर लो, बिकॉज अभी स्केड्यूल नहीं आया तो उसका मतलब आपका रिजल्ट नहीं आएगा ऐसा नहीं है, या बहुत डिले होगा ऐसा नहीं है। इसी महीने के अंदर ही आ जाएगा रिजल्ट, और इसी महीने में आई एम टेलिंग यू कि आपका एडमिशन प्रोसेस का स्केड्यूल भी आउट हो जाएगा। सीईटी के जो भी बचे हुए हैं सारे प्रोसेस के एडमिशन, मतलब जो भी रिजल्ट पेंडिंग है उसके बाद सीईटी के थ्रू एडमिशन प्रोसेस भी इसी मंथ में आ जाएगा। सो डोंट वरी गाइज, रिजल्ट आ जाएगा जल्दी ही। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझी रहेगी। कुछ भी डाउट है या आपको हमारे कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी लेना है, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।